राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने अब शपथ ले ली है। आम जनता का भजनलाल शर्मा के बारे में क्या सोचना है और उनकी क्या मांग है सीएम बनने के बाद में, क्योंकि एक नए चेहरे के रूप में राजस्थान की सत्ता में वो आए हैं, हमारे साथ में है। क्या नाम है भाई साहब? रमेश कुमार वर्मा। क्या चाहते हैं भजनलाल जी शर्मा एक नए चेहरे के रूप में राजस्थान में आए हैं, हमेशा अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे रही है, तो आप नए मुख्यमंत्री से क्या पहला जो कार्य है वो देखना चाहेंगे? वो राजस्थान का सर्वांगीण विकास करें और साथ ही साथ ये जो छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके जो एग्जामों में पेपर लीक वगैरह हो जाए उन पर रोक लगे जाए। पेपर लीक जैसे प्रकरण है उसमें लगातार कार्रवाई हो, इस तरह की मांग है? बिल्कुल सर, यही होना चाहिए ताकि बच्चों के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं और उनका भविष्य खराब नहीं हो। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से वो सोचते हैं। एक क्या सोचते हैं आप, भजनलाल जी शर्मा ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब शपथ ले ली है, पहला काम जो वो करे आप क्या चाहते हैं? वो बेरोजगारी मिटावे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और पब्लिक का फायदा करे और अच्छा, एक सामान्य कार्यकर्ता को सीएम की कुर्सी पे बैठाया है तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर को और सुधारे, लॉ बहुत सुधारे, उसको बहुत जरूरत है राजस्थान के अंदर। कांग्रेस ने पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मिटिया मेल कर दिया था। अब शपथ ले रहे हैं भजनलाल जी, अब आप क्या चाहते हैं जो पहला काम वो करे राजस्थान की जनता के? ऐसा मिडिल क्लास का कुछ नहीं किया मोदी ने, महंगाई से राहत दे, हमारा कहना तो ये है। बाकी तो सब अपने अपने नेतागिरी करते हैं, मिडिल क्लास का सारा इन्होंने जो है सत्यानाश कर रखा है, सारी सब्सिडी बंद कर दी और कुछ ही नहीं है, खाली खुद खुद का कर रहा है मोदी। तो 450 में सिलेंडर देने की गारंटी भी दी है, गारंटी दी है ना, आपने पढ़ा नहीं आज का अखबार, ये मुकर गया है गारंटी से। पहले जो मैनिफेस्टो में दिया था ना उसमें कहा था 450 में का 500 में सिलेंडर देंगे, इसका काम 450 में देंगे। आज अखबार है उसमें क्या, जो गरीब महिलाएं हैं उनको 450 में देंगे, जो गरीब आदमी है उसको नहीं दोगे, बेवकूफ बनाता है जी, खाली जगलरी और वर्ड्स है ये और कुछ नहीं है। पता करा लो बड़ी, और झूठ को भी ऐसा प्रेजेंट कर देगा बिल्कुल सच बोल रहा। वो मैं जो 15 लाख आएंगे हर आदमी के, उसका क्या किया मोदी ने यार, 10 साल हो गया, इंडियंस को बेवकूफ बनाता है। अच्छा तो आप ये देखो, सरदार पटेल से बड़ा तो कोई नहीं है ना नेता, उससे बड़ा है क्या मोदी, जिसने 600 रियासतें एक की है, उसका स्टेडियम उसका नाम ना, वो खा गया अपना नाम लगा दिया। मतलब इसको मतलब ये देश की बातें करता है खाली बड़ी बड़ी, और एक काम इसने बढ़िया किया कि हिंदुओं का इसने बहुत सपोर्ट किया और हिंदुत्व के लिए कर रहा है कोशिश, हम इस बात से बहुत खुश है। पहले आदि शंकराचार्य हुआ था जिसने 4 मठ स्थापित किए थे, इसने अभी तक 3 किए हैं, चौथा प्रोसेस में है। एक तो राम मंदिर का किया, दूसरा जो है आपके काशी का किया, फिर आपके उज्जैन का किया, मथुरा का कर रहा। बस एक इसकी ब्यूटी यही है कि ये हिंदुत्व के लिए लड़ा, अदरवाइज हिंदुओं का जिंदा रहना मुश्किल था इंडिया में। मध्य प्रदेश में एक आदेश हुआ है मास को लेकर और मस्जिद में जो लाउड स्पीकर बैठे थे उनके डेसिमल को लेकर, क्या ऐसा आदेश भी यहाँ पे भी होना चाहिए? तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार, जब तक पेट नहीं भरेगा आम जनता का, उनको उनसे इसे माया जाल से कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो, एक मजदूर है, एक मजदूर सुबह उठ के जाएगा मजदूरी पे, 100 रुपए का पेट्रोल लगाएगा जब वो जाएगा। अब पेट्रोल यार तुमने 22 में $120 पे फिक्स किया था, आज 80, बीच में बहुत सस्ता हो गया, 60 भी हो गया था, अब 80 चल रहा है, लेकिन मोदी ने सस्ता नहीं किया। अब आपको लगता है राजस्थान में अब सरकार परिवर्तित हुई है तो यहाँ पे भी पेट्रोल जो है बाकी राज्यों के मुकाबले जो रेटे होंगी यहाँ पर? ऐसा है, अभी तो वो अशोक इतना छोड़ के गया है घाटा, इनको 2-3 साल तो घाटा पूर्ति करने में लगा, ये क्या विकास करेंगे यार, पैसा होगा तो विकास करेंगे, खाली यूं लोगों को सौज मार दिखाता है मोदी। जैसे 15 अगस्त में भाषण दिया, अगले 50 साल के सौज मार दिखाता है यार, किसने देखे 50 साल के, हम तो वर्तमान में देखते हैं। साधारण मिडिल क्लास का पेट भरे ऐसी बात कर, अब दालें 100 रुपए के ऊपर हो गई है, इसको चिंता नहीं है, क्योंकि इसका तो सब फ्री में आता है, जो बेचारा जाता है उसको पता है कि दाल कितनी महंगी है,
एक आदमी दाल रोटी तो खाओ यार, जो एसेंशियल कमोडिटी है दाल रोटी है, दूसरी जो कॉमन चीजें है रोज का मैंने वो तो सस्ती करो। इसका तो मैंने जो आटे पे भी 5% GST लगा दिया यार, आप रोटी भी नहीं खा सकते, ये तो रूट में मैं लगा हुआ है। औरंगजेब ने एक जदिया कर लगाया था, वो तो इतिहास में आ गया। मोदी ने इतने कर लगा दिए हैं कि पता ही नहीं है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितने टैक्सेस है, इंडियंस को पता ही नहीं है आज तक। और ना ये कोई श्वेत पत्र जारी करता है कि मोदी के टाइम में कितने टैक्स लगे। महंगाई कम होनी चाहिए, क्या सोचते हैं भाई साहब आप? भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पहला काम जो वो करे जनता के लिए? मुख्यमंत्री जी को तो अशोक जी की योजनाएं कंटिन्यू रखनी चाहिए, स्वास्थ्य बीमा है और जो दुर्घटना बीमा है, जो अशोक जी की योजनाएं कंटिन्यू रखनी चाहिए, मेन बात ये है। और ये धर्म के नाम पे कुछ हम इसमें विश्वास ही नहीं करते कि हिंदू मुसलमान क्या है, लोगों के रोजगार की कमी। मोदी जी ने बोला था हम आय दुगनी कर देंगे, की आज तक आय दुगनी कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक धारा 370 है और NRC वो लाए तो अच्छा है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। भजनलाल जी तो सज्जन आदमी है, इनको मारा बनाया गया, इनके जन्म कुंडली में योग था और ये बादशाह बन गए, अच्छे आदमी है, अच्छा ही करेंगे, हम तो यही उम्मीद करते हैं। हम तो अच्छा काम भी करेंगे, बात तो कांग्रेस के हैं बता दू, पर ये आदमी भाई फेस अच्छा लग रहा है और अच्छा ही करेगा, भगवान ने इसको बुद्धि दी है, टैलेंट है कुछ, तभी तो CM बने हैं इसको। योजनाएं बंद नहीं होनी चाहिए, कुछ और लोग भी हैं उनसे बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं इसको लेकर? भजनलाल जी अब मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, क्या सोचते हैं आप जो पहला काम करे वो जनता के? जो भी हो नए काम, नए मुख्यमंत्री आए तो देखते हैं युवा वर्ग के लिए क्या क्या काम करते हैं। कांग्रेस ने तो बहुत काम किया लेकिन भाजपा से उम्मीद है, अब क्या काम करते? क्या क्या उम्मीद है आपको युवा वर्ग के लिए? जो भी हो शिक्षा शिक्षित स्कूल वही है मेन चीज, वही है बस, रोजगार का सृजन करे बस। कांग्रेस ने तो बहुत काम किया 5 साल में लेकिन भाजपा से भी उम्मीद है। क्या मानते हैं आप भजनलाल जी अब नए चेहरे के रूप में आए, क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, वसुंधरा राजे रही है, बार बार मुख्यमंत्री बनते थे, अब नए चेहरे के रूप में राजस्थान की सत्ता में भजनलाल जी आए, पहला काम वो जनता के लिए करें? ऐसा है कि भजनलाल जी का किसी ने सोचा नहीं था, फिर भी भजनलाल जी को मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया है, तो पहले मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि अब हर कार्यकर्ता को जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो दिल से काम करेगा, क्योंकि उनको पता नहीं कब मोदी जी की नजर इनके ऊपर पड़ जाए और इनको कौन कोई नए पद दे दे और ये ऊंचे पर चले जावे। अब भजनलाल जी एक आम आदमी या मध्यम वर्गीय परिवार से होके मुख्यमंत्री के पद तक अगर पहुंचे हैं तो सभी लोगों की ये उम्मीद है कुछ नया ऐसा आवे कि जैसे जो जो कमियां रह चुकी है या जिससे जनता त्रस्त हो गई थी, जिस चीज को लेकर जनता ने सरकार को चेंज किया है, तो उसको लेकर जैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल थे, तो ऐसी कोई नई चीज लेकर आवे जिससे ये लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, लोगों को रोजगार मिले, और जैसे पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह है जो आम आदमी की डेली की आवश्यकता होती है और जरूरत रहती है और सबसे महंगी की उस चीज को लेकर ही बढ़ी है, तो वो चीजें सबसे पहले कम हो, महंगाई कम हो एक मुद्दा है। क्या सोचते हैं भाई साहब भजनलाल जी जो पहला काम जनता के लिए करे शपथ लेने के बाद? मेरा ये मानना है कि हमारे जो नए मुख्यमंत्री है भजनलाल जी, शपथ ग्रहण करने के पश्चात सबसे पहले राजस्थान प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी उस पे वो थोड़ा फोकस करे, और दूसरा जो अशोक गहलोत सरकार के द्वारा जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो बच्चों के लिए खोले गए थे उनको वो दुरुस्त और उसको और मतलब मॉडिफाई करें, और वहां पे जो शिक्षक जो लगे हुए हैं उनकी मतलब एक स्पेशल भर्ती हो ताकि वो बच्चों को जो है ना शिक्षा मिल सके, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा प्राप्त हो सके, और वो क्योंकि शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास होगा और राजस्थान ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। कानून और शिक्षा, क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम? क्या काम करते हो आप? हम चश्मे का सर। क्या लगता है भजनलाल जी CM बन रहे हैं राजस्थान के, क्या लगता है क्या काम ऐसा जो करना चाहिए आम जनता के लिए? सर फर्स्ट टाइम बने हैं राजस्थान में, ये सबको उम्मीद है, BJP सारे पास से BJP का नाम है, ठीक है, फर्स्ट टाइम राजस्थान में BJP आई है, सब लोग यही बोल रहे हैं जो महंगाई है वो सस्ती होनी चाहिए सर, जैसे आटा दाल वगैरह चावल वगैरह कोई भी लगा लो सर, पेट्रोल वगैरह वो होना चाहिए। सेकंड नंबर पे सर जो अभी हत्या हुई थी आपने देखा होगा जयपुर में, ते वो जो गुंडे हैं वो कुछ उसको नथ पड़नी चाहिए,
जैसे सर वो ने डाला हुआ, अपना जोगी ने डाला हुआ है अपने शहर पे, ऐसा पूरे राजस्थान में होना चाहिए। कोई भी गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए कोई भी सिटी के अंदर, एकदम सेफ होना चाहिए सर। अभी कोई लड़की कोई औरत जाती है ते उसका कोई मतलब चोरी कर लेते हैं या लूट मार कर लेते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हम यही बोल रहे हैं जो आए हैं सीएम बने हैं, बहुत मुबारकबाद देते हैं सर, बहुत अच्छी बात। महंगाई कम होनी चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। क्या सोचते हैं भाई साहब आप, जो भजन लाल जी अब मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, पहला काम जनता के लिए वो करें? मेरे हिसाब से तो भजन लाल जी को जो पिछली सरकार की जो कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम उन्होंने चालू किया है उसको वो बंद कर दे। जो गरीबों की कल्याणकारी योजना है चिरंजीवी जैसी, उसको बंद ना करे, ये उनका अच्छा कदम रहेगा। और रही बात आगे की, तो आगे तो उनको ये देखना है कि अपराध की बात रहती है तो अपराध तो सरकारों से नहीं संस्कारों की बात है। इस आदमी के किसी भी व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं उस हिसाब से वो अपराध करेगा। सरकार इस पे सीधी तरीके से कोई लगाम नहीं लगा सकती कि कौन व्यक्ति अपराध करेगा और कौन क्या काम करेगा। इसलिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि अपराध कम हो या ज्यादा हो, बाकी जो अच्छी कल्याणकारी योजना है उनको बंद ना करे बस। अब भजन लाल शर्मा शपथ ले चुके हैं, ऐसे में जनता का कहना है महंगाई, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं पर नए मुख्यमंत्री काम करें और जनता को राहत दिलाए। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।